Invotech Labs, IT Service Provider. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेपरमोंक के मैनुअल मोड से क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं, वो भी आपके स्कूल या एकेडमी के लोगो, वॉटरमार्क और नाम के साथ। सबसे पहले प्ले स्टोर से पेपरमोंक ऐप डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन करें। क्रिएट न्यू पेपर बटन पर क्लिक करेंगे, फिर मैनुअल मोड सेलेक्ट करेंगे। यहां से बोर्ड और मीडियम सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। क्लास 8 के जितने भी चैप्टर होंगे वो यहां शो होंगे। सपोज हमें टर्म 1 का पेपर बनाना है और हमारे पास फर्स्ट 7 चैप्टर हैं। यहां से वो चैप्टर सेलेक्ट करेंगे जिनसे आपने क्वेश्चन पेपर बनाना है। अगर हम NCERT एग्जेम्प्लर के क्वेश्चन भी पेपर में डालना चाहते हैं तो उनको यहां से सेलेक्ट करेंगे। यहां से ब्लूप्रिंट ऐड करेंगे। सपोज हमारा ब्लूप्रिंट ये है जिसमें हमें 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस और 2 हमें केस स्टडी क्वेश्चंस चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम यहां क्वेश्चंस ऐड करेंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस हम बाद में ऐड करेंगे। ऐड क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। यहां हमारे पास क्वेश्चन ऐड करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट में हम क्वेश्चंस को मार्क्स वाइज ऐड कर सकते हैं और सेकंड में हम क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज ऐड कर सकते हैं। पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। इसमें हम मार्क्स वाइज क्वेश्चंस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐड करेंगे। यहां पर जो हमने चैप्टर सेलेक्ट किए थे उनके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस शो होंगे। यहां से हम 20 क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और फिल अप्स सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस सेलेक्ट होने के बाद आपको अलर्ट आएगा कि 20 क्वेश्चंस सेलेक्ट हो गए हैं। फिर मोर क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस सेलेक्ट करेंगे, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐड करेंगे। फिर सभी क्वेश्चंस सेलेक्ट होने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर बन गया है और अब हम केस स्टडी क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं। अब हम मोर क्वेश्चंस पर जाएंगे। यहाँ से उस चैप्टर को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। यहाँ से हम 2 केस स्टडी क्वेश्चंस सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार है। अगर हम इसमें कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स का बनाना चाहते हैं तो यहां से मार्क्स चेंज कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके रखेंगे, फिर जिस चैप्टर से आप क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करेंगे और क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन में चेंज करना चाहते हैं तो यहां एडिटर पर क्लिक करेंगे। यहां से हम क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो तो ऐड मोड पर क्लिक करके यहां एडिटर पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, फिर क्वेश्चन मार्क्स, कैटेगरी और चैप्टर सेलेक्ट करेंगे और क्वेश्चन NCERT है या अदर वो यहां से सेलेक्ट करेंगे। फिर ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करने पर क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में चॉइस डालना चाहते हैं तो ऐड चॉइस पर क्लिक करेंगे, चैप्टर सेलेक्ट करेंगे, मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन सेलेक्ट करने पर ये क्वेश्चन और में आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। यहां से आप क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट चेक कर सकते हो। अब हमने 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाना है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिलीट कर देंगे क्योंकि हमने 2 मार्क्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया था। तो अब 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तैयार है। अब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहां पेपर टाइटल एंटर करेंगे, फिर ड्यूरेशन ऐड करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहां से वॉटरमार्क ऐड कर सकते हो। आंसर की के लिए यहां पर क्लिक करें, फिर क्वेश्चन पेपर का साइज सेलेक्ट करेंगे। यहां से आप एडवांस ऑप्शन चेक कर सकते हो, फिर डाउनलोड PDF पर क्लिक करने पर आपका बनाया गया क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा।
अब हम दूसरे मेथड से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐड करेंगे। इसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। पहले इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन ऐड होने के बाद मोर क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें वो सभी चैप्टर शो होंगे जो सब्जेक्ट में है। जैसे हम अब फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं तो चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ रैंडम में सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर हम वन मार्क्स के क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। फिर क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद ऐड क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। फिर मोर क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर के हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन डालना चाहते हैं तो 2 मार्क्स पर क्लिक करेंगे, क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। अगर आप केस स्टडी क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं तो मोर क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे और उस चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे जिसमें केस स्टडी क्वेश्चंस या फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। यहां से हम क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और ऐड क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। फिर उसी तरह से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फिर डिटेल्स एंटर करेंगे और यहां से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।